शादी हुआ था 2004 में, उसके बाद 2015 में रोमना आया है, उसके बाद ये मुकदमा करते हैं यहाँ पे करके इनको बंद करा के सीधा चली गई ताला तोड़। उसके बाद विधवा पेंशन पा रही हैं, हमको मृत घोषित कर दिए हैं। विधवा पेंशन 2019 में हमको मृत घोषित कर दिए हैं और मैं जिंदा हूँ। विधवा पेंशन योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार की तरफ से बेहतर कोशिश है, मगर यूपी के अमेठी के महोना पश्चिम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने जिंदा पति को मृत दिखाकर विधवा पेंशन का लाभ उठाना शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। महिला कई सालों से चल रहे अपने घरेलू विवाद के कारण मायके चली गई थी, जहाँ उसने अपने पति पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया था, मगर जब उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने फर्जी कागजातों की मदद से अपने पति को मृत दिखाकर उससे आने वाली पेंशन का लाभ उठाना शुरू कर दिया। महिला के पति राम हरख ने कैमरे के सामने अपनी पत्नी की सभी करतूतों की कहानी भी बयां की है। मेरा ये शादी हुआ था गुड़िया के साथ में, शादी हुआ था 2004 में, उसके बाद 2015 में रोमना आया है, उसके बाद ये मुकदमा कर दिए हैं यहाँ पे करके हमको बंद करा के सीधा चली गई ताला तोड़ के हमारे। कौन सा मुकदमा कर दिया, क्या मुकदमा है ये? मतलब मारपीट की, घरेलू हिंसा, मतलब चीज गहना, मतलब कि हम गुजारा मांग रहे हैं, ये है वो है हमारे साथ में। उसके बाद में हमारा सब, हमारे कोई नहीं, न माँ है न बाप है, कोई नहीं है हमारे। उसके बाद में ये बंद करा के सीधा चले गए अपने घर। वहाँ से आने के बाद सुल्तानपुर में मुकदमा कर दिया। उसके बाद विधवा पेंशन पा रही हैं, हमको मृत घोषित कर दिए हैं। विधवा पेंशन 2019 में हमको मृत घोषित कर दिए हैं और मैं जिंदा हूँ। तो वहीं ये मामला अधिकारियों के संज्ञान में भी आया है। उन्होंने भी यही बताया कि एक महिला ने अपने पति को जिंदा रहते विधवा पेंशन का लाभ उठाना शुरू कर दिया। हमें अभी संज्ञान में ये मिला है कि एक महिला जो अपने पति से अलग रह रही थी, वो अब स्वयं को विधवा दिखाकर पेंशन ले रही थी, तो उसको तत्काल जो है उसका पेंशन रोक दिया गया है और आगे उससे रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। इस चौंका देने वाले मामले के सामने आने के बाद लापरवाही उजागर होने पर विभाग में हड़कंप मच गया है और प्रोबेशन अधिकारी ने पेंशन पर रोक लगाकर जांच शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसमें किस किस अधिकारी की मिलीभगत है।